मैं हमेशा कहता था कि मेरे को इस देश ने बहुत कुछ दिया है। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छे कॉलेज में गया, आईआईटी खड़गपुर में गया। आईआईटी खड़गपुर में जब मैं पढ़ता था, मेरी 32 रुपये ट्यूशन फीस होती थी महीने की। उन दिनों में 32 रुपये तो कुछ भी नहीं होते। तो इसका मतलब, जबकि आईआईटी बहुत बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, देश का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है इंजीनियरिंग का, तो 32 रुपये लेती थी सरकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो है वो मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहा था। मुझे इंजीनियर बनाने के लिए देश ने पैसे खर्च किए। आज मेरा फर्ज बनता है और मैंने ठाना है कि जो इतनी अच्छी शिक्षा देश ने मेरे को दी, उससे भी अच्छी शिक्षा मैं अपने बच्चों को दूं। अपने दिल्ली के बच्चों को जैसी शिक्षा मेरे को मिली, उससे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मैं बच्चों को दूं। तो मैं आज आपको पूरी विश्वास के साथ बता रहा हूं कि जैसे स्कूल में मैं पढ़ा था, मैं हिसार में पढ़ा था। हिसार में जिस स्कूल में पढ़ा था वो सबसे अच्छा स्कूल था हिसार का। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उससे ज़्यादा शानदार ये स्कूल है। आपका जो स्कूल बन के तैयार हुआ है, हमारे यहाँ ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ देखो सारे एयर कंडीशन लगे हुए हैं इस हॉल के अंदर। कभी सुना था सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशनर भी लगते हैं? कभी नहीं सुना था। इतना शानदार ऑडिटोरियम, इतने शानदार क्लासरूम, इतनी शानदार लेबोरेटरी, इतना शानदार लाइब्रेरी। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सारी बच्चियाँ बहुत खुश हैं, सबके चेहरे पे खूब स्माइल आई हुई है। और सबको, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई इतना शानदार स्कूल मिलने के लिए। मैंने कई देशों को स्टडी किया। हमारा देश आज़ाद होने के बाद, कई देश ऐसे हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए, जैसे सिंगापुर है। सिंगापुर 60s में आज़ाद हुआ, लेकिन आज हमसे आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सिंगापुर में सबसे ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया शिक्षा को। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, सड़कें भी बन जाएंगी, पुल भी बन जाएंगे, सब हो जाएगा। अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया तो एक पीढ़ी के अंदर देश से गरीबी दूर हो सकती है। कैसे? जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। मैंने कई सारे उदाहरण देखे हैं पिछले कुछ सालों के, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमने शिक्षा पे ध्यान देना चालू किया। कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से निकले, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। जब शिक्षा खराब थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, पढ़ाई होती नहीं थी और बच्चे, गरीब का बच्चा गरीब रह जाता था। बड़े बड़े स्कूलों में अमीर अपने बच्चों को भेजते थे, अमीर का बच्चा फिर अमीर बन जाता था। अब गरीबों के बच्चे, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, गरीबों के बच्चे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है,